वो इसी स्थान पर इस राम कथा का आयोजन करते हैं और समाज में एक अच्छा माहौल और संस्कारों का एक जो प्रभाव है, क्योंकि भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं। वो आदर्श पुत्र है, आदर्श पति है, आदर्श राजा है, और इसीलिए ऐसे भगवान राम की कथा ये बार बार हर बरस पे कहना, नए पीढ़ी को उसके बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सभी बातें उजागर करके कहना, ये काम सत्संग परिवार के सभी पदाधिकारी करते हैं। इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। और इस बार की राम कथा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि अगली बार जब सत्संग परिवार इसी स्थान पर जनवरी में राम कथा का आयोजन करेगा, तब 1 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम जन्म स्थान पर भगवान राम का भव्य मंदिर ये खुलकर रहेगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि ये राम कथा और आने वाली बरस की भी राम कथा ये अपने आप में इसके कारण विशेष रूप की ये राम कथा है। जो राम जन्मभूमि बन रही है उसके बाद इस तरह के सत्संग और भी। देखिए, कांदिवली पूर्व लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में सत्संग परिवार के माध्यम से गत अनेक वर्षों से ये सप्ताह का आयोजन होता है और बड़े पैमाने पे यहाँ के जो भक्तजन है उसमें एकत्रित होते हैं। साल में एक बार सत्संग परिवार की ओर से सप्ताह तो होता है, लेकिन उसके बाद में पूरे साल समाज के हित में भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प का काम ये करते हैं और एक बहुत बड़ी अच्छी टीम है। और मैं मानता हूँ कि अनेक कामों में ये जो सप्ताह का आयोजन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने जैसा भी कहा कि 20वीं शताब्दी में जन्मे और 21वीं शताब्दी में जो लोग जी रहे, उनका ये सौभाग्य है कि उनके जीवन काल में जो कलंक हमारे हिंदू समाज पे लगा हुआ था, हमारे बाप दादा परदादाओं पे, वो सारा मिटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 को हटाना हो, ट्रिपल तलाक का इम्प्लीमेंटेशन करना हो, समान नागरिक कायदा को आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट करना हो, ऐसे सारे और हिंदुओं के जो स्थान है उनका विकास करके कॉरिडोर के रूप में उसको परिवर्तित करके एक पूरे देश में ही नहीं तो दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज देने का उन्होंने काम किया। और जैसे मैंने कहा कि एक समय ऐसा था मंदिर में कोई जाकर टीका लगाते तो बाहर आकर पोछ के बाहर घर पर जाते थे, यानी इतना कुछ लोगों को डर लगता था, कुछ लोगों को शर्म लगता था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा वातावरण देश में निर्माण किया, अब बड़ा टीका लगाते हैं और गर्व से जाते हैं जहाँ पर भी जाना है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, मेरे मतदार संघ के लोगों ने मुझे चुनकर दिल्ली भेजा और मैंने दिल्ली के पार्लियामेंट में इस बात को आवाज़ उठाई और केंद्र सरकार ने इस बात को मानी और नया हमारा जो शिक्षण नीति है उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया। कुछ राज्यों में भगवद गीता पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर दिया है, जो बचे हुए राज्य है वो आने वाले दिनों में होगा, लेकिन सरकार जब करेगी तब करेगी। लेकिन हम सारे लोगों ने मिलकर इसको प्रारंभ कर दिया है, हम सारे लोग इसको घर घर तक पहुँचाने का काम आज कर रहे हैं और कल से और तेज़ी से करेंगे। जो वचन हो रहे हैं वो अद्भुत देखने लायक हैं, सुनने लायक हैं, स्मरण करने लायक हैं और हमने तो पहली बार इनसे सुना है और सुनकर के हृदय गदगद हो गया है। बस इतने ही करके अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। सत्संग परिवार पिछले 20-22 वर्षों से एकदम एक्टिव है और वो काफ़ी लोगों की मदद करते हैं, काफ़ी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हर तरह के कल्याण के कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी सेवा के कार्य कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, लोग की मेडिकल सेवा दे रहे हैं, हर तरह का उनके संभव यथासंभव प्रयास से बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसमें हम लोग भी जितना हो पा रहा है हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। ये सत्संग परिवार आज से 24 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी, हम लोग 2-3 लोग रखकर बैठ कर के रखे थे और मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ और मैंने ये देखा कि छोटा सा पौधा लगाया गया था और आज इतना बहुत बड़ा रूप इसका धारण हो गया है। अगले साल सिल्वर जुबली ईयर है, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, महाराज जी के वचन हर लोग बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं और हमें ऐसा उम्मीद है कि अगले साल इससे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। ये सत्संग परिवार केवल सत्संग ही नहीं कर रहा, सत्संग के माध्यम से समाज का कार्य कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, हर तरह की भलाई कर रहा है, डाउन ट्रेडन लोगों से जिनकी जो दरकारी है उनकी हर तरह से चुप रह करके सबकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। सबसे बढ़िया बात जो मैंने देखा है इस सत्संग परिवार में
कि सत्संग परिवार एक बहुत अच्छी टीम है, ये कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये एक टीम है और वो टीम पूरा इस सत्संग परिवार को आगे ले जा रही है। और हमारी शुभकामनाएं सत्संग परिवार के साथ है, एज ए सत्संग परिवार मेंबर, एज ए ट्रस्टी। हालांकि मैं अब इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं दुबई रहता हूँ। अब आप सोचें कि मैं दुबई रहता हूँ, ट्रस्टी होने के नाते आज सुबह मैं दुबई से आया हूँ स्पेशली आज का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए, रात को मैं वापस जा रहा हूँ दुबई, ताकि ये कितनी बड़ी यहाँ डिवोशन है हमारे सब पूरे की पूरे ट्रस्टी और सब मेंबर्स के। एक बार फिर मैं सत्संग परिवार को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इनका मुख्य उद्देश्य जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। और सत्संग परिवार ये जो कार्य कर रहा है, इसके पीछे इन लोगों का जो सोशल वर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लोग कर रहे हैं। जल सेवा कर रहे हैं, गरीबों का इलाज करा रहे हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खुला है। मतलब कथा एक अच्छा कार्य है, लेकिन उसके पीछे जो ये काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही जो काम कर रहे हैं, इस कथा से जो प्रेरणा मिलती है समाज सेवा की, मानव सेवा की, देश सेवा की, वो बहुत अतुलनीय है। उसके ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और ऐसे कहीं भी इस तरह के कथा के आयोजन हो, मैं उन सब आयोजकों को यही बात कहूँगा कि ये सब चीज़ें सत्संग परिवार से प्रेरणा लें, कि आज ये लोग नोटबुक्स बांटते हैं, कोविड में बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है यहाँ दामोनगर में। तो ये सब चीज़ें, कथा जो भगवान है वो एक प्रेरणा सूत्र है। भगवान राम ने हमेशा कर्म किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने मर्यादा को फॉलो किया। आज अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का एक अंश भी, 1% भी अगर हम अपने आप को साबित कर लेंगे, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाएगा। तो कथा के आयोजकों का जो लोगों को, उनके चित्त को जगाना, उनको प्रेरित करना, जो उनका उद्देश्य है, वो उद्देश्य वंदनीय है और मैं इस काम को सलाम करता हूँ। और डालेगा जी, तो जो सत्संग परिवार इस तरीके से लोकनाल का लैंडमार्क बन चुका है, जो अच्छे काम होते सत्संग परिवार ही करते हैं लोकनाल टाउनशिप में, और राम कथा जो भव्य होने वाली सात दिन से, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सत्संग परिवार विगत 24 सालों से लोखंडवाला को धर्म नगरी के रूप में प्रवृत्त करने का काम कर रही है। विगत 22 सालों से निरंतर हर साल यहाँ कोई ना कोई कथा होती आ रही है। इस बार जो हम लोग कर रहे हैं वो राम कथा है, जिसका आज 6वां दिन है और ये 8 दिन की कथा है। कथा के माध्यम से हम सनातन धर्म का प्रचार तो करते ही हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से पब्लिक यहाँ पे आ रही है और कथा में इन्वॉल्व हो रही है, हम एक सूत्र में पिरोने का काम भी कर रहे हैं। सत्संग परिवार निरंतर सेवा कार्यों में व्यस्त तो रहता ही है, और हमारी पूरी टीम, महिला समिति, युवा समिति, मुख्य कार्यकारिणी, हम कथा को हमारा वार्षिक उत्सव के रूप में लेते हैं और इसका भव्य आयोजन हर साल करते हैं। इस बार भी हमने उस परिपाटी को निभाने का काम किया। अब प्रवचन आम जनता, मतलब आम लोगों के लिए कितना महत्व होता है? परम पूज्य गुरुदेव राघवाचार्य जी व्यासपीठ पे आसीन है, उनके मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे हैं वो ब्रह्म स्वरूप शब्द निकल रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे जितनी भी धर्म प्रेमी जनता और राम अनुरागी जनता बैठी है, वो एक एक शब्द को सुनती है, एक एक संकीर्तन को जीती है, और हर भजन कीर्तन में उत्सव सा माहौल होता है। तो डेफिनेटली महाराज जी के मुखारविंद से जो भी शब्द निकल रहे हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं, दिमाग तक पहुंच रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आने का काम उनके सब करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।